इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा रेलवे ग्रुप डी एग्जाम एनालिसिस 17 अगस्त को पूछे गए सभी जीके के क्वेश्चन 25+। उससे पहले अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे ग्रुप डी के लिए 2021 के करंट अफेयर 500 क्वेश्चन एक ही वीडियो में देखना चाहते हो तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन आज बहुत बने थे। पहला क्वेश्चन आज पूछा गया था, हीलियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार नदी किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरियार नदी केरल राज्य में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, रेलवे ग्रुप डी से जुड़ी सभी शिफ्टों के एग्जाम एनालिसिस यहीं करवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी यात्रा के बाद 1930 को कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दांडी यात्रा के बाद 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, ये पूछा गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 में स्मृति ईरानी के पास कौन सा मंत्रालय था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2017 में स्मृति ईरानी के पास कपड़ा मंत्रालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीकट्टू त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जलीकट्टू त्यौहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र MgOH का होल ट्वाइज है। इस एनालिसिस से देख के आपको पता चल गया होगा अगली शिफ्टों में क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, यानी कि त्यौहारों से पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री में फॉर्मूले से पूछे जाएंगे, वर्तमान में कौन क्या है इसके बारे में पूछे जाएंगे, पंचवर्षीय योजना से भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसा टेस्ट किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एलिसा टेस्ट एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में CGA कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान में CGA सोनाली सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 मारिया रेसा एंड दिमित्री मुराटो को दिया गया। ये 500 क्वेश्चन की जो मैंने भी आपको वीडियो लाया उसके अंदर ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन थे? यानी कि जो हाल में भारत के नए उपराष्ट्रपति बने थे वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। अब अतिरिक्त प्रभार ला गणेशन को सौंपा गया, तो उनसे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्या राजेंद्र कहाँ की सबसे युवा मेयर बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्या राजेंद्र केरल राज्य की सबसे युवा मेयर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स की फुल फॉर्म क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 का बाल साहित्य पुरस्कार कितने भाषा में दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2021 का बाल साहित्य पुरस्कार टोटल 22 भाषाओं में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे नियुक्त किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के नए लोकपाल का अतिरिक्त प्रभार प्रदीप कुमार मोहंती को सौंपा गया है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको जून की करंट अफेयर में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल कर क्या रखा गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल कर रखा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये भी क्वेश्चन आपके 500 करंट अफेयर वाले वीडियो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सदाबहार वन पूर्वोत्तर भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित उच्च वर्षा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के विजेता कौन रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? यानी कि विद्युत मोटर का उपयोग आप लिख सकते हैं उद्योगों में तो किया ही जाता है, उसके अतिरिक्त
कृषि में किया जाता है, खेतों के जोतने में किया जाता है, बोने तथा काटने की मशीनों में किया जाता है, सिंचाई के पंपों को चलाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओम का नियम। आपको पता है फॉर्मूला वी बराबर आई आर होता है, ये ओम का नियम है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।